हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साबूदाना के बड़े। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। रेसिपी में जो भी टिप्स बताएं उनको आप जरूर फॉलो करें, आपका बड़ा एकदम परफेक्ट बनेगा। हम व्रत में तो इनको बनाकर खाते ही हैं, लेकिन आप जब चाहें ब्रेकफास्ट में इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही यम बनता है। रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बाद में इसके साथ खाए जाने वाली व्रत की चटनी भी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप साबूदाना लिया है। हम इसको अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करेंगे। साबूदाने की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए नाश्ता बनाना है तो आप क्वांटिटी इस हिसाब से कर लीजिएगा। मुझे यहाँ 2 लोगों के लिए बनाना है तो हाफ कप उसमें पर्याप्त है। इसको अच्छे से वॉश करेंगे, जब तक कि इसमें वाइट एक्सेस स्टार्च जो है वो निकलेगा, हम इसको वॉश कर देंगे। अब हम इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे। हम जितना साबूदाना लेते हैं पानी, हम उससे थोड़ा सा कम ही रखते हैं। पानी डालकर हम इसको ढककर 2 घंटे के लिए मिनिमम छोड़ देंगे। 2 घंटे में हमारा साबूदाना बहुत अच्छे से फूल जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा। ये देखिए हमारा साबूदाना फूल गया है, ये देखिए कितना अच्छा छरहरा बना है। अगर हम पानी की क्वांटिटी लेवल में रखेंगे, थोड़ा सा कम ही रखेंगे, तो हमारा साबूदाना कभी चिपचिपा नहीं बनेगा। ये देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा गल गया है। आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा, पता लग जाएगा कि आपका साबूदाना परफेक्ट भीग गया है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप मूंगफली ली है। इसे पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसके छिलके निकाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्सी में डालकर पल्स मोड पर हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो कूट भी सकते हैं खलबत्ते से, लेकिन मिक्सी में ये अच्छे से हो जाता है। हमें ऐसी ही मूंगफली चाहिए। अब हम इसको जो हमने साबूदाना भिगा कर रखा है उसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मूंगफली हम रोक लेंगे, वो मूंगफली हमारी चटनी में काम आएगी। मूंगफली को हम साबूदाने में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे बड़ों को एक अच्छा क्रंच देगी और हमारे बड़े खाने में एकदम स्वादिष्ट बनेंगे। आप चाहें तो इससे खिचड़ी भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर आलू मैश करके डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के बॉयल्ड आलू लिए हैं, इनको ग्रेट कर रहे हैं। आप चाहें तो मैश कर सकते हैं पोटैटो मैशर से, और चाहें तो ग्रेट कर लीजिए। इसमें नमक डालेंगे टेस्ट अनुसार अपना। सेंधा नमक यूज़ किया है, काली मिर्च डाली है, हरी मिर्ची डाली है चॉप, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया डाला है और ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड किया है। 1 नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनेंगे इससे बड़े हमारे। इन सभी को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, इनका एक डो बना लेंगे, आपस में सभी को अच्छे से बाइंड कर लेंगे। ये देखिए एकदम चिकना डो बन गया हमारा, एकदम परफेक्ट। अब हम इसके बड़े बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाथों को चिकना कर लेंगे, थोड़ा सा देसी घी लगा लीजिएगा, हाथों को चिकना कर लेंगे। अब हम इसके बड़े बनाएंगे। जितना भी छोटा बड़ा बड़ा आपको जैसा भी साइज बनाना है आप उस हिसाब से बॉल बना लीजिएगा। पहले अच्छे से टाइट बॉल बनाइएगा, जिससे कि हमारे बड़े बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, एकदम चिकना बना है। हम इसी तरह का बनाएंगे। जितने चिकने हमारे बड़े बनेंगे उतना ही वो ऑयल नहीं पिएंगे। अगर उसमें क्रैक रह जाएगा तो वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने पीनट ऑयल का यूज़ किया है। आप जो भी ऑयल खाते हो या घी खाते हो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इनको अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं या फिर अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं। बड़े हमारे एक तरफ सिक गए हैं, हम इनको पलट लेंगे। गोल्डन होने तक हम इनको अलट पलट करके सेकेंगे। फ्राइंग करते समय ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम हमेशा मीडियम टू हाई होनी चाहिए। लो फ्लेम पे फ्राइंग का काम नहीं करेंगे, नहीं तो बड़े कभी कभी ऑयली हो जाते हैं। अब ये अच्छे सिक गए, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हम इनको निकाल लेंगे। हमारे बड़े बहुत ही क्रंची बने हैं, एकदम परफेक्ट बना है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। चलिए अब हम चटनी भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, हरी मिर्ची डालेंगे और मूंगफली डाल देंगे। यहाँ पर जो रोस्टेड मूंगफली रोक के रखी थी वो भी डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। यहाँ पर आप नींबू और दही का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वो डालना चाहें तो वो डाल लीजिए पहले, नहीं तो बाद में भी डाल सकते हैं। लीजिए हमारी चटनी तैयार है। इस नवरात्रि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, बाय बाय।